नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार कुंभ में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई 3 मार्च को निकाली जाएगी। इसके चलते अखाड़ा प्रबंधन की ओर से पेशवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस पेशवाई में 50 महामंडलेश्वर और हजारों की संख्या में संत शामिल होंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है कुंभ में पंचायती अखाड़े की पेशवाई में। हरिद्वार कुंभ में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई बेहद ही खास होने वाली है। इस पेशवाई में हेलीकॉप्टर से 5 क्विंटल गुलाब के फूलों की बारिश की जाएगी। 2 ड्रोन पेशवाई की निगहबानी करेंगे। रामपुर के ऊंट और हाथी पेशवाई की शान बनेंगे। बता दें कि अखाड़े की धर्म ध्वजा 27 फरवरी को स्थापित हो जाएगी। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव एवं मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बताया कि SMJ NPG कॉलेज के मैदान से सुबह 11 बजे बैंड बाजों के साथ पेशवाई निकलेगी, जिसमें खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। इस पेशवाई में महाराष्ट्र से कलाकारों को बुलाया गया है। पेशवाई कॉलेज के मैदान से शुरू होकर शंकर आश्रम, सिंह द्वार, देश रक्षक तिराहा, शंकराचार्य चौक, शिवमूर्ति चौक, वाल्मीकि चौक, गुजरवाला भवन, भाटिया भवन होकर शाम 6 निरंजनी अखाड़ा पहुंचेगी। पेशवाई पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। ये खास फूल मंगलौर, दिल्ली, बिजनौर और नजीबाबाद से आएंगे। वही पेशवाई में 2 ड्रोन पल-पल की रिकॉर्डिंग करेंगे। सचिव रविंद्र पुरी ने बताया कि पेशवाई में 50 महामंडलेश्वर शामिल होंगे, साथ ही हजारों नागा भी मौजूद रहेंगे। इस पेशवाई में सबसे आगे भगवान कार्तिकेय का रथ चलेगा। इसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी का रथ चलेगा। उनके पीछे संतों की जमात चलेगी। पेशवाई में रामपुर के 6 हाथी, 2 ऊंट और मंगलौर के 50 घोड़े शामिल होंगे। पेशवाई के लिए प्रयागराज से चांदी के सिंहासन और अहोदे सहित अन्य सामान निरंजनी अखाड़ा पहुंच गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पेशवाई में महामंडलेश्वर चांदी के सिंहासन पर सवार होंगे। सिंहासन राजशाही ठाट बाट का प्रतीक होता है। महामंडलेश्वर अखाड़ा के राजा के रूप होते हैं। उन्हें सिंहासन पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव और अखाड़े के कुंभ मेला अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि SMJNPG कॉलेज में बनाई जा रही अखाड़े की छावनी के सभी तंबू भगवा और पीले रंग के रंगे होंगे। इससे छावनी की भव्यता और निखर कर आएगी। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि छावनी में बने सभी तंबू पीले और भगवा में नजर आएंगे। उन्होंने मेला प्रशासन से छावनी में ठहरने वाले सभी संतों के साथ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों की एक टीम यहां तैनात करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्य मेले में हर जगह से साधु संतों का आगमन होना है। उन्होंने बताया कि हमारे अखाड़े की प्राचीन से परंपरा चली आ रही है कि कुंभ मेले के दौरान श्री महंत और उप महंत छावनी में बने तंबू में ही रुकते हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखकर हमें स्वर्ग का अनुभव होता है। कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती का आलम कुछ यूं है कि एक बार चले जाने के बाद दिल यहीं का हो जाने का करता है। बता दें, अब कश्मीर का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो सब्र करिए और देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर कितना खूबसूरत है, इस बात से हर कोई वाकिफ है। इसके चारों तरफ का रंगारंग नजारा लोगों का मन मोह लेता है। आज तक हमने कभी स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन जब कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखकर ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी हूबहू ऐसा ही दिखता होगा।
अब कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगने वाला है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि एक तरफ बर्फ से ढकी चोटियां होंगी तो दूसरी तरफ डल झील का किनारा और बीच में रंग बिरंगे ट्यूलिप की क्यारियां। कश्मीर में यह दिलकश नजारा मार्च में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 370 आतंकवाद और कोविड-19 की काली छाया से मुक्ति का ऐलान करते हुए एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन अपने दामन में 15 लाख फूलों के साथ सैलानियों का स्वागत करेगा। बाग खुलने पर जश्न बहार का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इस बार बाग को हॉलैंड के कोकनहाफ बाग की तरह सजाया जा रहा है। फ्लोरिकल्चर विभाग के निदेशक फारूक अहमद राठर ने बताया कि यह बाग 2 साल बाद खुलेगा। आप यकीन रखिए, रंग बिरंगे ट्यूलिप हर शख्स को मोलेंगे। जो बाग में आएगा वो यहाँ के माहौल से सरोबर होकर ही निकलेगा और कहेगा कि अगर बाहर कहीं है तो बस यहीं पर है। श्रीनगर जिले के फ्लोरिकल्चर अधिकारी शायक रसूल ने कहा कि 15 लाख ट्यूलिप इस बार खिलेंगे। मार्च के दूसरे सप्ताह के दौरान यह बाग खुलेगा, लेकिन अभी तिथि तय नहीं है। प्रशासन के साथ इस बारे में चर्चा की है, एक प्रस्ताव भी भेजा है। इस पर जल्द बैठक होगी। जिस दिन बाग खुलेगा उस दिन यहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल होगा। इस साल अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक ये खुला रह सकता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हरिद्वार कुंभ में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई 3 मार्च को निकाली जाएगी। इसके चलते अखाड़ा प्रबंधन की ओर से पेशवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि इस पेशवाई में 50 महामंडलेश्वर और हजारों की संख्या में संत शामिल होंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास होने वाला है कुंभ में पंचायती अखाड़े की पेशवाई में। हरिद्वार कुंभ में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई बेहद ही खास होने वाली है। इस पेशवाई में हेलीकॉप्टर से 5 क्विंटल गुलाब के फूलों की बारिश की जाएगी। 2 ड्रोन पेशवाई की निगहबानी करेंगे। रामपुर के ऊंट और हाथी पेशवाई की शान बनेंगे। बता दें कि अखाड़े की धर्म ध्वजा 27 फरवरी को स्थापित हो जाएगी। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव एवं मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बताया कि SMJ NPG कॉलेज के मैदान से सुबह 11 बजे बैंड बाजों के साथ पेशवाई निकलेगी, जिसमें खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। इस पेशवाई में महाराष्ट्र से कलाकारों को बुलाया गया है। पेशवाई कॉलेज के मैदान से शुरू होकर शंकर आश्रम, सिंह द्वार, देश रक्षक तिराहा, शंकराचार्य चौक, शिवमूर्ति चौक, वाल्मीकि चौक, गुजरवाला भवन, भाटिया भवन होकर शाम 6 निरंजनी अखाड़ा पहुंचेगी। पेशवाई पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। ये खास फूल मंगलौर, दिल्ली, बिजनौर और नजीबाबाद से आएंगे। वही पेशवाई में 2 ड्रोन पल-पल की रिकॉर्डिंग करेंगे। सचिव रविंद्र पुरी ने बताया कि पेशवाई में 50 महामंडलेश्वर शामिल होंगे, साथ ही हजारों नागा भी मौजूद रहेंगे। इस पेशवाई में सबसे आगे भगवान कार्तिकेय का रथ चलेगा। इसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी का रथ चलेगा। उनके पीछे संतों की जमात चलेगी। पेशवाई में रामपुर के 6 हाथी, 2 ऊंट और मंगलौर के 50 घोड़े शामिल होंगे। पेशवाई के लिए प्रयागराज से चांदी के सिंहासन और अहोदे सहित अन्य सामान निरंजनी अखाड़ा पहुंच गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पेशवाई में महामंडलेश्वर चांदी के सिंहासन पर सवार होंगे। सिंहासन राजशाही ठाट बाट का प्रतीक होता है। महामंडलेश्वर अखाड़ा के राजा के रूप होते हैं। उन्हें सिंहासन पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव और अखाड़े के कुंभ मेला अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि SMJNPG कॉलेज में बनाई जा रही अखाड़े की छावनी के सभी तंबू भगवा और पीले रंग के रंगे होंगे। इससे छावनी की भव्यता और निखर कर आएगी।
महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि छावनी में बने सभी तंबू पीले और भगवा में नजर आएंगे। उन्होंने मेला प्रशासन से छावनी में ठहरने वाले सभी संतों के साथ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों की एक टीम यहां तैनात करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्य मेले में हर जगह से साधु संतों का आगमन होना है। उन्होंने बताया कि हमारे अखाड़े की प्राचीन से परंपरा चली आ रही है कि कुंभ मेले के दौरान श्री महंत और उप महंत छावनी में बने तंबू में ही रुकते हैं। तो उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।